हेलो ऑल, वेलकम टू स्टूडियो स्वर्णराव। हम ये वीडियो में यूफोस गुरका में हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं या क्या क्या कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं वो सब के बारे में इन डिटेल जानेंगे। अगर आप ये वीडियो पहले बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ये चैनल को सपोर्ट करते रहना। हमारा न्यू फोर्स गुरका में इधर जो भी लिस्टेड है, ये सब कस्टमाइजेशंस हमने किया था। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, आप टाइमलाइन पे डायरेक्टली वो टॉपिक पे क्लिक कर कर इन डिटेल देख सकते हो। इधर जो ऑर्डर पे सब लिस्ट किया है, हमने वही ऑर्डर पे कस्टमाइजेशन किया था बेस्ड ऑन आवर ट्रैवल, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा नीड, एक एक चीज़ करते गया, क्योंकि सब कुछ एक ही दिन पे हमको नहीं लगा था सब ज़रूरत है। बट जब हम ट्रैवल करते रहे, हर एक ट्रैवल के बाद थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला और वो एक्सपीरियंस से लगा ये चीज़ है तो और भी अच्छा हो सकता था, तो बेस्ड ऑन दैट हम मॉडिफिकेशंस करते गए। कस्टमाइज्ड बैग्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम जब गाड़ी खरीदा, हम डायरेक्टली होम टाउन गया था पेरेंट्स को गाड़ी दिखाने के लिए, और हम सबसे पहली चीज़ यही किया था। गुरका मैंने तार से कंपेरेटिवली इसलिए लिया था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसमें 4 एडल्ट्स आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और लगेज रखने का भी स्पेस है। बट जो लगेज रखने का स्पेस है, उसके नीचे जो टायर्स का बम्प आया, तो उधर जो भी लगेज रखेगा वो डायरेक्टली गिरने का चांस है। तो हमने फर्स्ट चीज़ ये किया, कस्टमाइज बैग्स बनवाया सो दैट वो बैग्स के नीचे भी जो टायर्स का बम्प है वो बम्प पे वो ठीक से सूट हो और अच्छा से हमारा जितने भी लॉन्ग ट्रैवल है कंप्लीट एडल्ट्स का लगेज सूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा राजस्थान का ट्रैवल है, अराउंड 15-16 डेज का 4 एडल्ट 1 किड का लगेज हमने फिट किया था उसमें। और बेस्ड ऑन द नीड हमने ये बैग्स को एज ए स्लीपिंग के लिए भी यूज़ किया था। जब हम 2 एडल्ट के साथ ट्रैवल किया था तो दूसरा सीट्स निकाल दिया और ये बैग्स को बेड बना दिया। गाड़ी का ये हमारा सेकंड मॉडिफिकेशन है, फ्लोर मैटिंग। गाड़ी के साथ डिफॉल्टली मैट आता है, बट स्पेशली मैं मल्टीपल ट्रैवल्स मेरा छोटे बच्चे के साथ करता हूँ, जो मैटिंग गाड़ी के साथ आता है उसमें बहुत सारा गैप्स है, तो जो भी खाने का चीज़ नीचे गिरेगा वो मल्टीपल दिन वैसे ही गाड़ी में रहने का चांस है, और नहीं तो वो मैट के नीचे ऐसे ही साइड पे कहाँ पे कोने पे रहने के चांस है। तो मैंने सोचा पूरा नीचे फ्लोर को सील करेंगे और बाद में जब भी मैं गाड़ी क्लीन करूँगा तो बहुत ही इजी रहेगा गाड़ी क्लीन करने का। तो ये हमारा सेकंड कस्टमाइजेशन था गाड़ी में। तो हमने सब सीट्स निकाल कर कंप्लीट नीचे का जो भी फ्लोर था गुरका का कार का वो कंप्लीटली वाटरप्रूफ मैट से रैप किया था। तो अभी मैं जब भी कार वॉश के लिए जाता हूँ, जो फ्लोर मैट्स डिफॉल्टली गुरके के साथ आता है, तो उसको नॉर्मली निकाल कर मैं नॉर्मली नीचे भी वाटर से क्लीन कर सकता हूँ। उससे मेरे कार 100% क्लीन हो सकते हैं और जो भी बच्चे का खाने का या जो भी नीचे गिरेगा वो सब अच्छा से क्लीन हो सकता है। तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और क्लीनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोनों तरह से ये हमारा सेकंड मॉडिफिकेशन था कार में। ये कस्टमाइजेशन इतना ईजी नहीं था, क्योंकि जो मैं होम टाउन में गया हैदराबाद के पास, इधर गुरका इतना पॉपुलर नहीं है और इसका गुरका का साइजेस इजीली नहीं मिलता है, और कभी ये लोग गुरका के गाड़ी के ऊपर काम नहीं किया है, तो उनको ये सीट्स निकालने भी एक R&D प्रोजेक्ट जैसा हुआ। बट लकीली वो पेशेंस अच्छा था बंदे का, तो वो पूरा निकाल कर अच्छा से उसको रैप किया था। तो अभी मैं जब भी गाड़ी क्लीन करता हूँ 100% अच्छा से क्लीन हो जाता है पूरा अंदर से। हम जब भी नया गाड़ी खरीदते हैं, या 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, भाई डिफॉल्ट 2 कीज तो मिलता है, बट मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है मुझे एक एक्स्ट्रा कीज भी हमेशा लगता है। तो मैं जब भी बहुत लॉन्ग ट्रैवल करता हूँ, स्पेशली मल्टी स्टेट या इंटर स्टेट ट्रैवल्स करता हूँ, मैं हमेशा 2 कीज साथ में लेकर चलता हूँ। तो एक बैग्स में रखता हूँ, वो बैग हमेशा बाहर रहेगा, हम जब भी गाड़ी उतरेंगे एक पॉकेट पे रहेगा, और एक कीज घर पे रखता हूँ जब इमरजेंसी लगेगा वो यूज़ करें। तो मैंने जब होम टाउन गया तो उधर एक एक्स्ट्रा कीज भी बनवाया जो वायरलेस भी चले और जो नॉर्मली भी चले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, स्पेशली प्रीवियस गाड़ी में मेरा एक बार हुआ था 2 कीज खो गया था, तो बाद में वो बहुत नुकसान हुआ था। तो
तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा केस तुरंत बनवाया जब भी गाड़ी मैंने होम टाउन लेके गया था। और जो गुरका में डिफॉल्ट कीस आता है वो पॉकेट में थोड़ा पॉकेट कट करने का चांस है, तो इसलिए मैंने ये कीस बनाया, तो उसका कीस बेंड कर बैग के अंदर रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कस्टमाइजेशन था जो गुरका का सीट कवर से उसको स्कोडा लेदर से रैप करवाया था। जो गुरका के साथ जो डिफॉल्टली सीट कवर्स आता है वो क्लॉथ से बना हुआ है। जैसे मैंने बताया, हम बहुत सारा लॉन्ग ट्रेवल्स छोटे बच्चे के साथ करते हैं, तो खाने का चीज़ या जूसेस नीचे गिरने का बहुत चांस है। और स्पेशली जब मेरा पेरेंट्स के साथ भी ट्रैवल करता हूँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट चाहिए सीट में, तो इसलिए मैंने स्कोडा का रैपिंग करवाया। तो उससे जो भी खाने का चीज़ या जूसेस मिलेगा वो स्टिकी नहीं रहेगा, वो क्लीन करना बहुत ही ईजी है। और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कुशन लगवाया अंदर। तो अभी फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली राजस्थान गुजरात ट्रिप लाइक 8,500 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था जिस 15-16 डेज थे, तो तभी भी मेरा पेरेंट्स को या किसी को कुछ थकान नहीं हुआ था, कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था। तो ये कुशन वजह से भी हेल्पफुल है और क्लीनिंग में भी बहुत ही हेल्पफुल है। गुरका का सीट्स थोड़ा अलग है दूसरा गाड़ी से कंपेयर किए तो। सो इसका सीट कवर्स बनाने में भी थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलते हैं, कस्टमाइज करना पड़ा। और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी सेम गाड़ी जैसे ही रखा। अभी तक का जो भी मॉडिफिकेशंस देखा हमने राजस्थान गुजरात ट्रिप जो 8,500 किलोमीटर्स किया था उससे पहले का है, तो अभी से जो भी मॉडिफिकेशंस हम देख रहा है ये जो राजस्थान गुजरात ट्रिप पे जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग्स मिला उसके बाद हमने ये ऐड करते हुए गया। तो सबसे पहले चीज़ हमने ऐड किया ये ट्रिप के बाद डैश कैम विथ बैक कैमरा। तो स्पेशली जब बहुत ही लॉन्ग ट्रेवल्स और हम ज़्यादा नाइट्स पे ट्रैवल करते हैं तब लगा हमको डैश कैम बहुत ही यूजफुल रहेगा। ये 70 MAH का कंपनी का है और पुणे में उसका डीलर है, तो मैंने डायरेक्टली उनका डीलरशिप से ही खरीदा और लोकल एक्सेसरीज शॉप पे लगवाया था। और ये लॉन्ग ट्रेवल्स पे अच्छा अमेजिंग शॉट्स कैप्चर करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम जो वीडियोस देख रहे हैं छोटा सा क्लिप्स, ये रिसेंटली जो 2 वीक्स पहले हमने स्पिटी वैली का जो विंटर एक्सपीडिशन किया था उसका वीडियोस था। तो थोड़ी देर पहले हमने फ्रंट व्यू कैमरा का देखा था, अभी जो देख रहा है बैक व्यू कैमरा का है। तो दोनों का मतलब क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है और नाइट पे भी बहुत ही अच्छा है। और गुरका का डिफॉल्ट प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है ड्राइविंग का या आउटसाइड व्यू का, बट मुझे लगा बेस्ड ऑन द हाइट थोड़ा बैक कैमरा का भी बहुत ही ज़रूरत है, स्पेशली ये रिवर्स व्यू कैमरा का, तो मैंने वो भी लगवाया था। तो मैं ये सब डिटेल्स स्लोली डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के लिए ट्राई करूँगा, सब कंपनी का लिंक का और उसका जो भी अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग है। और मैंने एक्चुअली खुद भी कर सकते हैं ये सब, उस पे मैनुअल पे लिखा हुआ होता है कैसा करना है, बट एक दोस्त है लोकल एक्सेस शॉप में तो मैंने सोचा उनसे ही करवाते हैं, तो एटलीस्ट सेफ रहेगा और मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा। तो मैंने बाहर का एक्सेसरीज शॉप से लगवाया था, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जब ट्रिकी सिचुएशन पे हम पार्क करते हैं, स्पेशली रिसेंट स्पीटी वाले पे जब घाट रोड्स पे बहुत ही कम जगह में पार्क करना है, तो ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा व्यू देखने के लिए। और स्पेशली ये कोविड सिचुएशन में अभी हम कम्प्लीटली एक्सटर्नल होटल्स पे स्टे करना अवॉइड कर रहे हैं, बट वर्स्ट केस में जब लॉन्ग ट्रैवल है एटलीस्ट फ्यू डेज के बाद हम स्टे के लिए ले रहे हैं, बट मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना अवॉइड कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट फिटमेंट था वो रूफटॉप टेंट का था, और ये प्रोक्योर करना भी इतना इजी नहीं था क्योंकि हम ये थोड़ा लॉकडाउन पे लिया था, और इसका प्राइस रेंजेस भी बहुत ही अलग है, लाइक 50,000 से 4 लाख तक भी मिल सकता है। तो मुझे रिजनेबल कॉस्ट में भी चाहिए था और उसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसा 1-2 दिन के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना चाहता हूँ। तो मैंने एक लोकल फ्रेंड मिला है टाइगर मोटर्स बोल के पुणे से, वो बहुत ही हेल्पफुल है, वो बहुत अच्छा वाला प्रोक्योर किया था बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, तो हमने उसको फिट किया था। उसके वजह से हमारा रिसेंट जो राजस्थान गुजरात ट्रिप था उस पर बहुत ही कम एक्सपेंसेस हुआ था हम। और इसके वजह से हम बहुत ही अच्छा लोकेशंस पे भी कैंप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होटल हर एक जगह नहीं मिल सकता है, बट अभी जब रूफटॉप टेंट रहेगा तो हम बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशंस पे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस पे जाकर कैंप कर नाइट स्टे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा, और ओवर दैट टाइम
2-3 लॉन्ग ट्रिप्स में इसका जो भी खर्चा हुआ वो सब सेव हो जाएगा, हम जब होटल्स लेना बंद कर लेंगे। और नेक्स्ट एक्सेसरी है ऑक्सिलरी राइड्स। इसमें बहुत सारा डिबेट्स है, बहुत सारे लोग मुझे पूछा है पर्सनली, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब का कमेंट्स में भी मैसेज किया है, ये अप्रूव्ड है आरटीओ अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं उस पे अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं कभी भी इसको सिटीज में हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ ये हमेशा कवर कर रखता हूँ, बट इसका यूज बहुत ही अच्छा है। स्पेशली मैंने जब राजस्थान में चलाया था उधर डेजर्ट्स पे जो गुरका का डिफॉल्ट लाइट आता है वो थोड़ा कम लगा था नाइट ड्राइविंग पे डेजर्ट्स पे, तो तब मुझे लगा इसको लगाएंगे। और रिसेंटली जब 2 वीक्स पहले स्पीटी का भी ट्रिप ट्रिप किया था और उधर बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हुआ था, जो 3 ईयर्स का हाईएस्ट स्नोफॉल था, तब इसका जरूरत बहुत ही पड़ा था। जो डिफॉल्ट लाइट था उससे वो स्नोफॉल पे कुछ नहीं दिख रहा था, और ये लाइट्स की वजह से बहुत ही हेल्पफुल हुआ था वो एक्सट्रीम सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया उसको नॉर्मली सिटीज पे हाईवेज पे यूज नहीं करेंगे, बट एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग्स पे इसका जरूरत बहुत पड़ेगा। और इसमें भी मल्टीपल कंपनीज आता है, तो जैसे मैंने बोला मेरा एक्सेस शॉप में फ्रेंड है बेजान, उनका सजेशन मैंने ये लाइट्स लगवाया था। तो रिसेंटली जब राजस्थान ट्रिप कर रहा था कुछ सेक्शंस ऐसा रहा जिधर पेट्रोल पंप्स बहुत ही कम था, और जब एसपीटी वैली का ट्रिप भी गया था उधर भी शायद काजा में एक ही पेट्रोल पंप था वो एरियाज में। तो जेरिकन बहुत ही मस्ट है स्पेशली गुरका जैसा ऑफ रोडिंग गाड़ीज में, बट इसको कैसा फिट करना है कहाँ फिट करना है उसके लिए बहुत ही टाइम लगा था। मैं पहले गाड़ी के अंदर ही कैरी करता था बट वो थोड़ा बहुत डीजल का स्मेल आता था, गाड़ी कंप्लीट क्लोज कर कर एसी ऑन कर कर जब चलाता था। तो ये टाइगर मोटर्स का मेरा फ्रेंड ने बहुत सारा इसका डिजाइनिंग किया, बाद में उसको अच्छे से कस्टमाइज कर कर जो लैडर है उसको ही उसको फिट करवाया, तो उससे स्पेस भी कम ले रहा है और उसका यूज भी अच्छा हो रहा है अभी। तो रिसेंटली रायसन ट्रिप में एक जगह पे मेरा गाड़ी का टायर्स ट्रैक्शन नहीं मिला था, फंस गया था, तो उधर मेरे लिए शावल और ट्रैक्शन बोर्ड्स बहुत ही यूजफुल लगा। तो मैं उस टाइम तक शावल नहीं खरीदा था और ट्रैक्शन बोर्ड्स भी नहीं लिया था, और क्योंकि वो फैमिली ट्रिप था मैं ऐसा सोचा भी नहीं था मैं बीच पे गाड़ी चलाऊंगा। तो बट वो ट्रिप खत्म होते ही मैंने शावल लिया था, बट वो भी कुछ दिन तक गाड़ी के अंदर कैरी करता था, बट बाद में इधर ही उसको कस्टमाइज कर कर मॉडिफिकेशन करवा कर जो गुरका का जो एक्स्ट्रा टायर आता है शिफ्टी टायर उसको ही फिट करवाया, तो वो लुक भी एलिवेट कर रहा है और स्पेस भी कम लो रहा है, और ये टायर का भी सेफ्टी है क्योंकि वो टायर को लॉक कर कर रखता है। हम नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में जो मैं गुरका के साथ जो बेसिक एक्सेसरीज कैरी करता हूँ उसके बारे में देखेंगे। मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया था जो स्पीटी का प्लेलिस्ट में रहेगा इनिशियली, मे बी एपिसोड 1 और एपिसोड 2, उसमें मैं इन डिटेल शेयर किया था बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स लाइक 7,000-8,000 किलोमीटर्स पे मैं जो भी कैरी करता हूँ वो सब डिटेल्स शेयर किया था, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स में मैं कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लाइक एक्स्ट्रा ऑयल्स या बेल्ट्स या एयर फिल्टर वो भी कैरी करता हूँ। तो बट नॉर्मल ट्रिप्स में ये सब चीज़ मैंने कैरी करता हूँ जो अभी हम देख रहे हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है जो मोबाइल होल्डर से वो कैरी करता हूँ, वो 2 पैर रखता हूँ क्योंकि कभी कभी वो ठीक से काम नहीं करता है, और ये इमरजेंसी स्पेयर किट है और जो स्क्रू ड्राइवर का किट है ये भी यूज़ होगा। और ये जो ब्लैक पाउच है ये गुरका के साथ बाय डिफॉल्ट आता है ये गाड़ी का टायर ओपन करने का और उसको ठीक से रखने का। और ये जेरिकैन से डीजल भरने के लिए ये यूज होगा, एक्सटेंशन है पाइप है वो। और मैं एक एक्स्ट्रा पानी का भी किट कैरी करता हूँ कभी जरूरत पड़ेगा तो वो भी यूजफुल होगा, और एक पंक्चर किट भी कैरी करता हूँ ये नॉर्मली अमेजोन पे मिल जाएगा, और एक ग्लोव्स के साथ भी आता है स्पेशली ठंड का सिचुएशन पे ये थोड़ा हेल्पफुल भी रहेगा क्योंकि आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं करेगा टायर को। और मुझे थोड़ा टीपीएमएस का हमेशा वो इश्यू आता रहता है गुरका में, तो इसलिए मैंने एक मैनुअल टायर प्रेशर मॉनिटर भी कैरी करता हूँ, तो स्पेशली मैं श्योर हो सकता हूँ उसका प्रेशर कितना है। और मैं एक जंप स्टार्टर भी कैरी करता हूँ, बट जैसे मैंने शायद उसमें भी प्रीवियस वीडियो में बताया ये यूज नहीं करना है, बट जस्ट वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए मैं कैरी करता हूँ। मैंने गुरका का मैनुअल पढ़ा था उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है जंप स्टार्टर यूज नहीं करना है, बट बोल नहीं सकते हमेशा अच्छा दिन ही रहेगा, तो इसलिए मैं एक
नॉर्मली कैरी भी करता हूँ। ये भी 70 mAh का कंपनी का है, तो मैं एक्चुअली इसका दो पर्पस है, इसको मैं एज ए पावर बैंक भी यूज कर सकता हूँ, और मैंने दो सेट कैरी करता हूँ जो एयर इन्हेलर है, एक एमए का पोर्टेबल बैटरी वाला कैरी करता हूँ जो आपको राइट हैंड साइड नीचे दिख रहा है, और एक ये है जो अभी मैं पकड़ा हूँ, ये अमेजोन का है, और एक जंप रोप भी हमेशा रहता है, और ये ट्रैक्शन बोर्ड भी बहुत ही यूजफुल है। रिसेंटली मैंने वो राजस्थान में वो एक्सपीरियंस पे सीखा था। अभी तक का मैंने ये फाइनलाइज नहीं कर पाया ट्रैक्शन बोर्ड को किधर फिट करना है, मैं अभी भी इसको गाड़ी के अंदर कैरी कर रहा हूँ, बट जैसे मैंने बताया मुझे ऐसा जगह फिट करना है ये गाड़ी का कुछ एरोडायनामिक्स पे इफेक्ट नहीं आना है, और अच्छे से फिट भी होना है, और अच्छे से जब भी यूज नहीं है उसको निकालना भी इजी रहना चाहिए। तो मैंने कुछ वीडियोस देखा था जो गुरका में ट्रैक्शन बोर्ड्स लगाया था साइड पे, जो अभी मेरा जो जेरिकैन होल्डर का जगह है उधर लगाया था, बट जितना ट्रैक्शन बोर्ड बाहर रहेगा गाड़ी से एटलीस्ट मैं समझता हूँ उतना एयर उसको लाएगा, और उससे गाड़ी का एरोडायनामिक्स भी चेंज हो सकता है और माइलेज भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी भी थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ, जो मेरा दोस्त है मॉडिफिकेशन शॉप में उसे और भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक ही पेंडिंग है, आपका कोई सजेशन से ट्रैक्शन बोर्ड को किधर फिट करना है आप कमेंट्स में शेयर करते रहना, तो मैं बेस्ड ऑन दैट मैं देखूंगा। और ये भी बेसिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दो चेयर्स एक छोटा सा टेबल और सिलेंडर हमेशा कैरी करता हूँ ट्रिप्स पे, तो ये बहुत ही यूजफुल होगा, किधर भी लगे उधर कैंपिंग कर सकते हैं, खुद का खाना बना सकते हैं और अच्छा लोकेशन का भी मजा ले सकते हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, आपका कोई भी सजेशन से कमेंट्स में शेयर करते रहना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।